हाय हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय गाइज, मैं आपका कमल, मेरी फिटनेस रनर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है कि स्टैमिना इंक्रीज कैसे करें, स्टैमिना इंक्रीज क्यों नहीं होता है, इतना दौड़ते हैं फिर भी स्टैमिना इंक्रीज नहीं होता है, थोड़ा दौड़ने के बाद थक जाते हैं, सांस फूलने लगता है, क्या करें, स्टैमिना कैसे इंक्रीज करें। आज का वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इंक्रीज करें, क्या डाइट ले स्टैमिना के लिए, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, पूरा एंड तक देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। पहले हम ये समझते हैं कि स्टैमिना इंक्रीज क्यों नहीं होता है। पहला कारण है, हम जब रनिंग करते हैं तो हम थोड़े टाइम करने के बाद जब थक जाते हैं तो हम ज़्यादा नहीं करते, तो हमारा क्या होता है, उसी टाइम में हम बंद कर देते हैं। जब थक जाते हैं सांस फूलने लगता है, थोड़े दूर दौड़ने के बाद 100-200 मीटर के बाद हम सांस फूलता है, थक जाते हैं तो हम बंद कर देते हैं, तभी हमारा स्टैमिना इंक्रीज नहीं होता है। पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट है, हमारा रात को नाइट फॉल होता है, बहुत सारे लड़के का होता है, बहुत किसी का होता है, मैं इसका लड़के का नहीं कर रहा हूँ, लड़कियों का भी होता है, हर किसी का होता है, लेकिन ये चीज़ भी ध्यान देना है क्यों होता है, ये चीज़ भी ध्यान देना है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है हमारा डाइट। डाइट अगर सही है तो आपका स्टैमिना इंक्रीज बहुत जल्दी होगा और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा रनिंग में और वर्कआउट में, जिमिंग करने में, कुछ करने में आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। थर्ड पॉइंट हो गया। हम कैसे इसको सॉल्यूशन करें, पहले हम समझते हैं कि जब भी हम थक जाते हैं, पहले हम अगर रनिंग करते, 1 किलोमीटर रनिंग करने शुरू किया हमने रनिंग, तो 0.5 किलोमीटर के बाद हमारा सांस फूलता है, हम थक जाते हैं, स्टैमिना नहीं है तो दौड़ेंगे कैसे। चार चीज़ हमको ज़रूरत है, एक स्टैमिना, एक एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड। ये चार चीज़ अगर आपके पास है तो आपको स्टैमिना इंक्रीज करने में कोई नहीं रख सकता, अब हमेशा के लिए दौड़ सकते हो। स्टैमिना इंक्रीज करने के लिए पहला पॉइंट है, जब भी आप रनिंग करते हैं, आप थक जाते हैं, आपको लगता है कि मैं नहीं दौड़ सकता, हो गया मेरे से, इतना बात काफ़ी है, तो उसी टाइम में अगर रुक गए तो आपका स्टैमिना इंक्रीज नहीं होगा। अगर मैं बोलूं कि मैं आप 1 किलोमीटर रनिंग करो रोज़, अगर आप 1 किलोमीटर नहीं दौड़ पा रहे हो, रोज़ 0.5 किलोमीटर या 800 मीटर ऐसे ही रुक जाते हो, आगे नहीं, 1 किलोमीटर कम्प्लीट नहीं कर पाते, तो ये इसका कारण यही है कि आपका स्टैमिना इंक्रीज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप ट्राई नहीं कर रहे हो। स्टैमिना इंक्रीज तभी होगा जब भी आप, शरीर कहेगा रुक जा, लेकिन आप नहीं रुकोगे, आप मेहनत करते जाओगे, आप थकोगे फिर भी नहीं रुकोगे, तब भी स्टैमिना इंक्रीज होता है, ये याद रखो। जब भी हम रनिंग कंटिन्यू करते हैं, हम क्या करते हैं, रनिंग में आपने देखा होगा, रनिंग जो बंदे लोग करते हैं तो वो क्या होता है, रनिंग एक दिन में नहीं होता है, तो कंटिन्यू करने के बाद रनिंग का स्टेप अपने आप खुलता है, स्टैमिना इंक्रीज होता है, सांस फूलना बंद होता है, यही चीज़ है। और स्टैमिना जो इंक्रीज होगा एक दिन का बात नहीं है, वो स्टैमिना इंक्रीज करने के लिए आपको टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, और टाइम से ही होता है। पहले बात, अगर जब भी आप देखो स्टैमिना इंक्रीज करने का, पहला ये हम सोचेंगे, ये समझेंगे कि स्टैमिना कैसे इंक्रीज होगा। आप मान लो कि अच्छा डाइट ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, फिर भी आपका स्टैमिना इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, अगर 0.5 किलोमीटर दौड़ते हो रोज़, तो आपको टाइमिंग देखना है। अगर आपको 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट आता है या 4 मिनट आता है 0.5 किलोमीटर, उसको देखना है पहले स्टार्टिंग में, उसको अगर देखना है ये स्टार्टिंग में मेरा इतना टाइमिंग में आ रहा है, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद देखना है, उसके बाद अगर आपका स्टैमिना इंक्रीज नहीं हो रहा है तो आपको फिर एक्सरसाइज उसके हिसाब से करना पड़ेगा, एक्सरसाइज बदलना पड़ेगा, रोज़ नया नया एक्सरसाइज करना है और नया नया वर्कआउट रोज़ करना है, एक ही एक्सरसाइज रोज़ नहीं करना है, एक ही एक्सरसाइज करोगे तो एक ही चीज़ ट्रेंड होगा, ये हमेशा ध्यान रखो, एक ही चीज़ नहीं करना है। और टाइमिंग देखना है, अगर टाइमिंग आपका आ रहा है 3 मिनट 0.5 किलोमीटर, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद देखना है कि उसके बाद और कितना टाइमिंग आ रहा है, अगर टाइमिंग 3 मिनट से कम हो गया तो आप समझ लो कि आपका स्टैमिना थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, आपका स्टैमिना इंक्रीज हो रहा है, सांस फूलना बंद हो रहा है, ये आपको समझना चाहिए। स्टैमिना इंक्रीज करने का दूसरा पॉइंट है कि हम डाइट क्या लेते हैं। डाइट बहुत ज़रूरी है, हर किसी को ये जानना ज़रूरी है, अगर डाइट सही से नहीं लोगे तो कोई चीज़ में सफल नहीं हो पाओगे। एक बॉडी बिल्डर को देखो, वो खाते हैं इसलिए उनका बॉडी कैसे बना है, और एक रनर को देखो, खिलाड़ी लोगों को देखो, फुटबॉल खेलते, क्रिकेट खेलते, उनका शरीर कैसा है, वो बॉडी बनाते नहीं, क्योंकि उनको स्टैमिना रखना है, उनको फिट रहना है, बस
उनको ऐसा दिखना है कि हमको खेल में अपना इंटरेस्ट हो और पूरा अपना 100% दो। हमको बजा के बॉडी नहीं दिखाना है कि बस खा पी के बॉडी बनाओ, ऐसा नहीं करना है। उनको खेलना है, दौड़ना है, तो उनको स्टैमिना भी चाहिए, एंड्योरेंस भी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। अगर ये चीज़ आपके पास है तो आपका स्टैमिना कोई भी आपको काट नहीं सकता, कोई भी लेवल में आपका 100% आप बेस्ट दे सकते हो, ये हमेशा बोलूँगा। अगर हाँ, दूसरा हम समझते हैं कि स्टैमिना हमारा ज़्यादा कैसे डाउन होता है मालूम है आपको? स्टैमिना डाउन होने का कारण यही है कि हम लोग ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं। नेगेटिव मतलब हम दिन भर में क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, हमेशा दूसरे के बारे में सोचते हैं, न्यूज़ में क्या दे रहा है उसके बारे में सोचेंगे, गलत बात करेंगे, गलत सोचेंगे, किसके बारे में उसको मारना है उसको मारना, मतलब अलग टाइप का सोच रखेंगे, नेगेटिव सोच रखेंगे। ये सोचेंगे कि अरे यार मेरा तो रनिंग अच्छा नहीं हो रहा है, टाइमिंग कम नहीं हो रहा है, तो मैं नहीं दौड़ूंगा, बंद कर दो, ऐसा ऐसा दिमाग में थॉट आने लगेगा। तो आपका स्टैमिना इंक्रीज नहीं होगा। आपको पॉजिटिव रहना है और कुछ खेल कूद करना है, रोज़ पॉजिटिव रहना है, दोस्त लोगों के साथ मिलना है, फैमिली के साथ मिलना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करना है अच्छी की तरह, ऐसा नहीं कि अलग थॉट लेना है दिमाग में, स्टैमिना इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वैसा नहीं करना है। अगर ऐसा आप सोचने लग जाओगे तो स्टैमिना कभी इंक्रीज नहीं होगा। आपको पॉजिटिव रहना है हर तरीके से, खेल में फुटबॉल खेलना है, वॉली खेलना है, और कोई भी क्रिकेट विकेट जो भी आपका खेल अच्छा लगता है अभी आप वो खेलो। अब पॉजिटिव रहो हमेशा, अगर हार भी जाते हो कोई टेंशन लेने का नहीं, एक दिन का जर्नी नहीं है कुछ, हमेशा आपको जर्नी की तरह हबी की तरह लेना पड़ेगा, ये चीज़ हमेशा याद रखो। और हमेशा आपको एक ही सोच में बैठना नहीं है कि यार स्टैमिना इंक्रीज नहीं हो रहा है तो मैं नहीं दौड़ूंगा, मैं वर्कआउट नहीं करूंगा, मैं इतना खाना खाता हूँ, इतना अच्छा प्रोटीन लेता हूँ, फिर भी नहीं हो रहा, ये चीज़ नहीं देखना है, ठीक है दोस्तों। हाँ, उसके बाद हम समझते हैं कि डाइट क्या ले। डाइट बहुत ज़रूरी है, ये अगर आपने डाइट सही से ले लिया तो आपका स्टैमिना 100% रहेगा हमेशा के लिए, कभी कम नहीं होगा और कभी इंक्रीज नहीं होगा। कभी कभार होता है जब भी हम बंद कर देते हैं वर्कआउट, तब स्टार्टिंग में थोड़ा सांस फूलता है, स्टैमिना नहीं होता उठाने के लिए, ये होता है। डाइट में क्या ले, पहले हम डाइट में लेंगे केला। अगर आप रनिंग कोई भी चीज़ करते हो तो केला बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम है उसमें और विटामिन मतलब एनर्जी देता है केला। केला आपको ज़रूर खाना चाहिए, वर्कआउट पहले एक केला खाओ, एक दो केला खाओ, जिम करते हो तो 2-3 केला खा के जा सकते हो, और रनिंग करते हो तो एक केला खाओ 30 मिनट पहले, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद बोलूँगा ओट्स, दूध में मिला के ओट्स भी खा सकते हो, ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन है ओट्स, ये कोई नहीं जानता है, जानते हैं लेकिन खाते नहीं, अरे ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, ओट्स खाओ मैं बोलता हूँ, हल्का चीज़ है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, अब विश्वास नहीं करोगे उस चीज़ में, खाओगे तो मालूम पड़ोगे ना। आप एक दिन खाओगे तो कुछ नहीं होगा, आपको मिनिमम 6 महीना 1 साल खाना पड़ेगा, तभी आपका बॉडी में कुछ फर्क दिखेगा, ये चीज़ हमेशा रखो। और दही, दही कोई नहीं जानता, दही खाने से कुछ नहीं होता क्या? दही हमारा शरीर को बहुत एनर्जी देता है, ये हमेशा याद रखो। हमारा कैल्शियम जो कम होता है वो भी इंक्रीज करता है, स्टैमिना भी इंक्रीज करता है। आपको रोज़ दोपहर में दही खाना है, दही हमेशा याद रखो। और ऐसा चीज़ खाना है जैसे आपको प्रोटीन वाला चीज़ रोज़ खाना है, प्रोटीन खाने से आपका शरीर में ताकत आता है, दौड़ने का अच्छा होता है और स्टैमिना ज़्यादा इंक्रीज होता है। दूध पीना है और चना, ये भी तो देसी उपाय है, अगर ज़्यादा आप इफर्ट नहीं कर पाए तो सबसे बढ़िया है चना, रात को भिगो दो सुबह खाओ। चना खाने से हमारा ज़्यादा स्टैमिना इंक्रीज होता है, घोड़ा खाता है तो स्टैमिना, घोड़ा आपको देख आपने घोड़ा को देखा होगा कैसे दौड़ता है घोड़े, मतलब उसका पाँव कैसे पड़ता है, आप स्टैमिना अगर खाओगे तो आपका भी इतना इंक्रीज होगा, आप भी अच्छी तरीके से दौड़ पाओगे, स्टैमिना बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। हाँ, और हम ये समझेंगे कि स्टैमिना इंक्रीज करने के और कुछ उपाय है, मैं पहले ही बोला ये चीज़ आपको, फिर लास्ट में बोलता हूँ, जब भी आप थक जाते हो रनिंग में, आपको लगता है कि मैं नहीं दौड़ सकता, आगे नहीं जा सकता, ये लास्ट हो गया मेरा, तभी तक रुकना नहीं है, तब तक जाना है, पूरा जोर लगा देना है, तभी उसके बाद जो होगा ना, उसके बाद स्टैमिना इंक्रीज होगा, उसके बाद ही स्टैमिना इंक्रीज होता है। थकने के बाद जब आपका शरीर से एनर्जी खत्म होता है तब भी स्टैमिना इंक्रीज होता है, आपको क्या लग रहा है आपको जब रनिंग करते हो तभी इंक्रीज होता है? नहीं, थकने के बाद अब जब भी आप रनिंग करते हो, सांस फूलने के बाद आप दौड़ते हो, तभी स्टैमिना बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, ये हमेशा ध्यान रखो। हमेशा अगर आप रनिंग करते हो तो लॉन्ग रूट करो, स्टैमिना ज़्यादा इंक्रीज होता है लॉन्ग रूट से, और स्लो रनिंग करो, रिदम से करो एक चीज़, और सांस नाक से लो मुँह से छोड़ो, ऐसा करो। उसके बाद एक्सरसाइज करो,
वार्म अप करो, कूल डाउन एक्सरसाइज करो। अगर आप जिम करते हो तो जिम में ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना पड़ता है, फिर भी ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, बस यही थी आज का वीडियो में मैं एक्सप्लेन किया, शायद आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएंगे। और ऐसा कुछ ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नया एनर्जी के साथ। बाय बाय।